है पंचकुला का फ्लाई ओवर 3149 का डलवाया है हमने गाड़ी में डीजल, तो भैंसों का झुंड आगे जा रहा है काफी बड़ा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बहेड़ी टोल टैक्स पर, फास्टैग की सुविधा उपलब्ध नहीं है भाई यहाँ पर। मैक्सिमम 95 किलोमीटर है होशियारपुर से पठानकोट, तो ये बहुत ज्यादा है होशियारपुर में। ये अभी हम लोग ऊपर चढ़ाई पे चढ़ेंगे। ओ भाई साहब, हर जगह से कोई ना कोई नया हाईवे, हर जगह से कोई ना कोई नया हाईवे, और ना ही इतनी ज्यादा रोड की कंडीशन पहले बेटर थी। और हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माई न्यू अनदर ब्लॉग। आई होप गाइज आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइज सुबह के बजने वाले हैं, अभी लगभग 4 बजे का टाइम हो चुका है मॉर्निंग का, और आज हम जाने वाले हैं अपने नए सफर, नई जर्नी की तरफ। और हमारा जो नया सफर है, नई जर्नी जो स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है मुरादाबाद से सीधा श्रीनगर कश्मीर के लिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग निकलने के लिए हैं, तैयार हैं, और जो हमारा लगेज आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ हमारा लगेज रखा हुआ है। हमारे काफ़ी सारे बैग अभी हम लोग पैक कर चुके हैं। वेदर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पता किया था श्रीनगर में, 5 दिन से कंटिन्यू वहाँ बारिश हो रही है, तो पहले वहाँ गर्मी थी लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ का वेदर जो है बदल चुका है। तो अभी हम जो कपड़े अपने लेके जा रहे हैं, नॉर्मली कुछ गर्म कपड़े हम लोगों ने अपने रख लिए हैं वहाँ अपने जाने के लिए, क्योंकि मौसम का अभी कोई मिजाज का कोई पता नहीं है, क्योंकि 3 दिन से वहाँ बारिश हो रही है। देखते हैं क्या है मौसम की कंडीशन। तो दोस्तों देखें, अब सामने जो गाड़ी आ रही है बस वो गाड़ी आ चुकी है, और 4 का टाइम हो चुका है। यहाँ पर सामान वामान रखते हैं गाड़ी में, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ये आ गई, बस यहीं रोक लो, यहीं। तो दोस्तों सारा लगेज हम लोगों ने गाड़ी में रख लिया है, ठूठ ठूस के भरा है, इतना सारा लगेज हो चुका है। लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, बच्चे हैं सिर्फ 5 मिनट यहाँ से निकलने के। तो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं और लगभग 5 बज गए हैं, प्लान तो 4 बजे तक था निकलने का, बट अभी 1 घंटा लेट हो चुके हैं। तो दोस्तों बिजनौर है यहाँ से 34 किलोमीटर, और मुजफ्फरनगर है यहाँ से 97 किलोमीटर। तो मुजफ्फरनगर पहुँचने में मैक्सिमम अभी हम लोगों को 2 घंटे और लग जाएंगे यहाँ से। अभी जो टाइम है सुबह का 6:15 हो चुके हैं, हम लोगों को 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं बिजनौर, और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सीधा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की यहाँ से जो दूरी है मैक्सिमम बैठने वाली है 60 से 65 किलोमीटर के आसपास, तो मे बी 1.25 घंटा हम लोगों को यहाँ से लगने वाला और मुजफ्फरनगर के लिए। अगर सुबह के मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है इस टाइम, जो बैराज पड़ता है गंगा बैराज, तो गंगा बैराज पे जाएंगे, दैन उसके बाद जाएंगे सीधा मीरपुर, मीरपुर के बाद निकलेंगे सीधा मुजफ्फरनगर के लिए। तो चलते हैं गाइस अपना आगे की तरफ, यहाँ से लेने वाले हम लेफ्ट, और अगर राइट मारेंगे यहाँ से तो ये सीधा चला जाएगा अपना हरिद्वार के लिए रोड चला जाएगा यहाँ से राइट मारने के बाद। और अभी हम लोग मार रहे हैं लेफ्ट, और यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से मारेंगे हम लोग राइट, और अभी हम लोग यहाँ से राइट मार के जाएंगे सीधा मुजफ्फरनगर की तरफ। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है हाईवे, क्योंकि अभी नया बना है हाल फिलहाल में, दबा दो गाड़ी का एक्सीलेटर। टाइम की बात करें तो 7 बज चुके हैं, और 2 घंटे हम लोग हो गए गाड़ी चलाते चलाते, और मैक्सिमम अभी हम तक हम गाड़ी 120 किलोमीटर चला चुके हैं, क्योंकि पीछे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, काफ़ी ऑफ रोड था पीछे की साइड में। और रोड देखे गाइस, रोड बहुत गजब का है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हाईवे, बहुत ही गजब का रोड बनाया नया, और ये जाता है सीधा मीरापुर होके मुजफ्फरनगर के लिए।
फाइनली हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर और अभी हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं राइट टर्न। अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो जाएंगे सीधा मेरठ दिल्ली, राइट टर्न मारेंगे एंड राइट टर्न मारने के बाद में हम सीधा निकलेंगे देवबंद और देवबंद होते हुए सहारनपुर होते हुए सीधा जाएंगे हम चंडीगढ़। तो अभी हम लोग 334 नेशनल हाईवे से जा रहे हैं अपना चंडीगढ़ की तरफ और ये हाईवे जो निकलता है ये जाता है यहाँ से सीधा देवबंद, देवबंद से सहारनपुर एंड सहारनपुर के बाद सीधा निकलेगा ये जगाधरी होते हुए सीधा अपना चंडीगढ़। तो अभी हमने ये रोड अभी हम लोगों ने पकड़ा है अपना आगे जाने के लिए। काफ़ी अच्छा रोड है और काफ़ी खूबसूरत ही रोड बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन नेशनल हाईवे है। तो 2.5 घंटे में हम मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं तो बाकी देखेंगे मुजफ्फरनगर से जो टाइम लगने वाला है आगे हमने लोगों को चंडीगढ़ पहुँचने में देखेंगे कितना टाइम भी हम लोगों को लगने वाला है। तो गाइस वीडियो पूरी तरीके से बने रहे, चलते हैं अपना आगे चंडीगढ़ की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बहेड़ी टोल टैक्स पर, यहाँ पर जो टोल कटेगा वो कटेगा पर्ची वाला, यहाँ पर स्कैनर नहीं है। तो अभी पहले यहाँ पर टोल कटवाएंगे पर्ची के थ्रू एंड उसके बाद आगे निकलेंगे। भाई फास्टैग नहीं है, ये वाला टोल जो है बिना फास्टैग वाला है और इसी वजह से यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं देवबंद और देख सकते हैं ये है देवबंद की बहुत खूबसूरत मस्जिद और ये है देवबंद का दारुल उलूम जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप देखें यहाँ से दिखाई दे रहा है और बहुत ही बड़ा है ये सामने की तरफ देखें और बहुत ही खूबसूरत है, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप विदेश में आ चुके हैं इसको। अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं देवबंद से, आ रहा है भाई निशान। तो दोस्तों अब हम 200 किलोमीटर आ चुके हैं मुरादाबाद से, ये चंडीगढ़ बाईपास है, अब ये सीधा जाएगा यहाँ से चंडीगढ़। तो बाकी आप रोड की खूबसूरती देखिए क्या नज़ारा है गाइस, बेहतरीन वाला जबरदस्त। ये मानना पड़ेगा बीजेपी की सरकार में एक काम तो अच्छा हुआ है, रोड बहुत अच्छे हुए हैं और ज़्यादा के लिए बाईपास आपको नहीं से नहीं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कांग्रेस की सरकार में रोड इतने अच्छे नहीं थे और ना ही रोड इतने खूबसूरत रोड बने हुए थे और ना ही इतने ज़्यादा रोड की कंडीशन पहले बेटर थी और ना ही इतने ज़्यादा हाईवे पहले बने हुए थे। जो जब भी आप रोड के ऊपर जाएंगे सफ़र करेंगे कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हाईवे आपको बनता हुआ ज़रूर मिलेगा आपको। तो दोस्तों बहुत देर के बाद मैं आ चुका है यहाँ पर पेट्रोल पम्प कैस्ट्रोल का, अब यहाँ पर लगाएंगे हम गाड़ी और अब पूरी तरह थक चुके हैं तो थोड़ा यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, फ्रेश होते हैं। तो दोस्तों अभी रुके हैं हम यहाँ पेट्रोल पंप पे और अभी डलवाएंगे हम यहाँ पर जियो का, जियो का ये। तो देखते हैं दोस्तों कितना तेल आने वाला है टंकी के अंदर, पूरी टंकी फुल करानी है तो देखते हैं कितने लीटर तेल जाता है गाड़ी के अंदर अभी और कितने रुपए का तेल आता है। तो दोस्तों गाड़ी में तेल आया है 35 लीटर के आसपास, 36 लीटर के आसपास और 3149 का डलवाया है हमने गाड़ी में डीजल। तो दोस्तों हमने मुरादाबाद से जो गाड़ी चलाई है वो चलाई है 200 किलोमीटर चलाने के बाद फाइनली अभी हम रुके हैं रास्ते में और यहाँ से जो चंडीगढ़ की दूरी है वो है अभी 130 किलोमीटर और पड़ेगी चंडीगढ़ यहाँ से पड़ने वाला है। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं दोस्तों, फ्रेश हो गए हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया है, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है मॉर्निंग का और अभी जो टाइम है 9 बज चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा आगे की तरफ। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ से जो चंडीगढ़ की दूरी है वो है 140 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों यहाँ पे लग गया है जाम, भैंसों का झुंड आगे जा रहा है काफी बड़ा, मैं देखो काफी सारा भैंसों का जिसकी वजह से जाम लग गया था यहाँ पर, लेकिन फिलहाल अभी ओपन हो गया है। और फाइनली अब एंट्री कर गए हैं पंचकुला के अंदर और जैसे ही पंचकुला पहुंचते हैं वैसे ही आपको देख सकते हैं यहाँ मिल चुका है आप लोगों को जाम। तो 15 मिनट की रेड लाइट के बाद फाइनली जाम ओपन हो गया है और ये है पंचकुला का फ्लाई ओवर एंड यहाँ से अगर राइट टर्न मारेंगे तो आप सीधे जाएंगे शिमला
एंड आप मनाली भी आप जा सकते हैं इस साइड से, एंड लेफ्ट टर्न मारेंगे तो आप दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिटी में आप यहाँ से भी जा सकते हैं। चंडीगढ़ के बाद हम लोग निकलेंगे सीधा गुरदासपुर, यानी कि पहले जाएंगे हम जालंधर, जालंधर के बाद निकलेंगे सीधा गुरदासपुर होके सीधा पठानकोट के लिए, उसके बाद सीधा हम लोग निकलेंगे पटनी टॉप। और आज हमारी जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो होने वाली है पटनी टॉप। पटनी टॉप की जो दूरी है वो है यहाँ से 450 किलोमीटर, तो मे बी 9 घंटे हम लोगों को और लगने वाले हैं अभी यहाँ से पहुँचने में, तो देखते हैं कितना टाइम आप लोग खींचने वाले हैं यहाँ से आगे। चंडीगढ़ आने का ये खासियत ये है कि जितने भी सारे चौक है ना, सारे चौक एक जैसे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अलग अलग रूट पर जा रहे हो, आपको हल्की लगेगा कि आप ना एक ही उस पर चल रहे हो ईशान रूट पर। ये है चंडीगढ़ एक खासियत भाई, तो बड़ी, और सफाई के मामले में तो भाई जबरदस्त। वेलकम टू न्यू चंडीगढ़, तो स्वागत है आपका न्यू चंडीगढ़ में। दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं होशियारपुर में, होशियारपुर तो भाई 3:05 की कमी है, तो मे बी हम लोग सुबह 5 के निकले हुए थे मुरादाबाद से, और अभी बज रहे हैं 3, तो कितने घंटे हो गए हमें भाई? अभी 9-10 घंटे हम लोगों को कंटिन्यू गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं, सीधा अपना आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमारी डेस्टिनेशन आज जो कम्प्लीट होने वाली वो होने वाली है अपना सीधा यहाँ से पटनी टॉप। होशियारपुर की बात करें तो होशियारपुर से जो दूरी होने वाली है पठानकोट की, वो मैक्सिमम 95 किलोमीटर है होशियारपुर से पठानकोट, और यहाँ से अगर जम्मू की बात करते हैं तो 195 के आसपास होने वाला है जम्मू। तो अभी जो गूगल मैप हम लोगों ने लगाया है वो यहाँ से होशियारपुर से पटनी टॉप दिखा रहा है 295। बाकी होशियारपुर की अगर यहाँ की वेदर की बात करेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है होशियारपुर में, और मेरे हिसाब से यहाँ का जो टेम्परेचर है 35-36 के आसपास होना चाहिए इस टाइम का, और पीछे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो गर्मी के मामले में इस टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई भी सुकून नहीं है किसी भी तरीके का मौसम को लेकर अगर मैं बात करूँ तो। गाइस इसका ब्लॉगिंग करने का सिस्टम बहुत ज़्यादा अलग है, ये कह रहा है। तो गाइस हमका नया ब्लॉग आ चुका है, और ये मेरे पापा हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा, अरे मैं जल्दी गिर गया ये, और आओ जल्दी से आओ, बाय तो कर दो, बाय। दोस्तों अभी हम बैठे हैं कटवा में, और कटवा में बैठे हैं हम सनी चाट के पास में, तो आप देखें हमने कुछ मंगाया है खाने के लिए, तो यहाँ की बहुत ही फेमस एक तरीके से कह सकते हैं डिश है ये अपनी, पल्ले, ये पल्ले हैं, ये मिर्च है, और बाकी ये जो रखे हैं ये पल्ले हैं, तो बाकी बहुत ही बेहतरीन देखने में लग रहे हैं, और इसका टेस्ट अभी हम करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है इसका टेस्ट, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। भाई बोल रहे हैं कि ये यहाँ की फेमस है, और यहाँ पर जो सेलिब्रिटी है वो यहीं पर आते हैं, तो आप कभी भी अगर आप श्रीनगर जाते हैं तो आप कटवा में रुकें, और सनी चाट वाले के नाम से है, तो आप यहाँ पर आकर रुकें और ये खाएं, एक बार टेस्ट जरूर करें, आपको पता चलेगा कि सीरियसली कितनी बेहतरीन चीज़ है। तो बाकी मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसको, पल्ले और मिर्ची बोल दो, मिर्ची और पल्ले जब भी है ना सनी चाट।
बाकी ये चटनी है इसके साथ। हाँ, चटनी नारदाने की मिलेगी, पुदीने की मिलेगी, इमली की मिलेगी और गुड़ की मिलेगी। अच्छा, मतलब ये आपका कितने की एक प्लेट है आपकी? 30 रुपए की एक प्लेट। 30 रुपए की क्या था? बहुत बढ़िया। ये भी आए और कठुआ में आके पल्ले जरूर खाए। टाइम हो चुका है एंड गाइस, नजारा देखिए, नजारा क्या बेहतरीन है। इस टाइम पर सूरज छिपने वाला है और अभी जो टाइम है 6:32 हो चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचेंगे बाईपास मारे एंड उसके बाद सीधा निकले उधमपुर के लिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं सांसार मानसार से पहले। जम्मू के लिए अभी हम लोग नहीं जाने वाले क्योंकि जम्मू अगर जाएंगे तो जम्मू से बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन नेशनल हाईवे है, रोड अच्छा है, उधर से जा सकते हैं। लेकिन कम से कम आप आइडिया लगाएं 40-50 किलोमीटर का पूरा फ़र्क है अगर हम पूरा जम्मू से घूम के जाते हैं। तो सर मानसर वाला रोड पकड़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और रोड पूरा पहाड़ी का है, लेकिन रोड बेटर है। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पता किया है वहाँ जाने के लिए, तो उस रोड से हम लोग निकलेंगे। तो बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो रोड कंडीशन अभी ज़्यादा हमें पता नहीं है, कभी गए नहीं है उस रोड पर, तो देखेंगे रोड कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, तो बस 5 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं और देखेंगे उधमपुर कब तक पहुँच पाते हैं। तो इरादा तो हमारा कूट में या पटनी टॉप में रुकने का है। तो दोस्तों, अभी हम लोग चले गए थे ऊपर से, लेकिन नीचे से मारने वाले हैं राइट टर्न, क्योंकि ये जो रोड जाएगा मानसर सांसर वाला ये रोड है, तो ये रोड हम पकड़ेंगे एंड इसके बाद सीधा जाएंगे यहाँ से उधमपुर। तो अभी यहाँ टाइम है लगभग 7 बजे का टाइम हो चुका है, तो देखेंगे कितना टाइम लगेगा अब हमें इस रोड को पकड़ने के बाद। तो दोस्तों देखें, अब रात हो चुकी है लगभग, अभी टाइम जो हो रहा है 7:30 का टाइम हो गया है और लगभग दिन पूरी तरीके से छिपछिपा है कि हम लोगों को जाना है ऊपर की तरफ। देखें सामने जो ऊंचाई दिख रही है, अभी सीधा गाड़ी लेकर उधर जाना है। यहाँ से जो उधमपुर की दूरी है वो है अभी 50 किलोमीटर और हम लोग चलेंगे यहाँ से। तो जो गूगल मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2.5 घंटे और अभी उधमपुर के। ओ भाई साहब, देखे क्या सनसेट, अभी पूरा सूरज छिप गया है और सामने देखे जो बादल है ना वो पूरा लाल लाल खून की तरह चमक रहा है। तो दोस्तों काफी ज्यादा हाइट के ऊपर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सांसार मानसर वाले रोड के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए पटनी टॉप और मैं अभी जो टाइम है वो है अपना 10:32। तो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करते कराते फाइनली भी हम पहुंच गए हैं पटनी टॉप और अभी बस कोई होटल वोटल तलाश करते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली पटनी टॉप और अभी जो टाइम है लगभग 11:30 का टाइम हो चुका है और अभी जो मैंने होटल लिया है गाइस, मेरे पीछे की तरफ देखें, ये है पैरिन होटल जो कि पटनी टॉप मेन मार्केट में पड़ता है। काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है होटल, यहीं आसपास में आपको बहुत सारे होटल्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखें ऊपर की तरफ भी बहुत खूबसूरत होटल्स हैं और ये नीचे की तरफ पूरी मार्केट है, ये आप देखें, ये पटनी टॉप की मेन मार्केट है। एंड गाइस अगर वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है इस टाइम अपना पटनी टॉप। आज हम लोगों ने नॉन स्टॉप जो गाड़ी ड्राइव की है वो की है 18 घंटे। गाड़ी ड्राइव करने के बाद में फाइनली हम पहुँचे हैं आज अपना पटनी टॉप, ये हम 11:30 एंड सुबह निकले थे मॉर्निंग में 5 बजे। और गाइस अगर रोड कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो रोड कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छा है मुरादाबाद से अपना सीधा पटनी टॉप या अगर आप श्रीनगर जाते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं अपने ब्लॉग को कहीं पर करता हूँ कंप्लीट, तो मैं मिलता हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।